आप देख रहे हैं ARTV चैनल। AIMIM सीनियर लीडर तलहा केसरी ने आज जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी पहुंचकर चेयरमैन अब्दुल्ला सादी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर तलहा केसरी ने शालपोशी और गुलपोशी करते हुए इनकी खिदमात की भी सताइश की। आप जानकर आपको हैरत होगी कि जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी में तमाम एरियों का वह पानी जो है नवीर कॉलोनी मेट्रो वगैरह जा रहा था, तो यही वो चेयरमैन है जिसने असदुद्दीन अवैसी और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर 24/7 पानी में रहकर पूरा वहाँ पे JCP लगा के किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को तकलीफ न होना, किस तरह से वो जो है गुरम चोरों में जाना वो काम करने वाली शख्सियत, ऐसे काम करने वाले रियल हीरो का नाम अब्दुल्ला बिन अहमद सादी जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन है। ऐसा प्यार करने वाले रियल हीरो का नाम अब्दुल्ला बिन अहमद जो है सादी है। ऐसे जो है ना खुलूस से, मोहब्बत से, ईमानदारी से, दयानतदारी से, वफादारी से, बेबाकी से, बहादुरी से काम करने वाले का नाम अब्दुल्ला बिन अहमद सादी साहब है, क्योंकि इन्होंने हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब को पूरा ग्राउंड लेवल रिपोर्ट दिया, जिसके बाद हबीब मिल्लत को मैं सल्यूट पेश करता हूं कि ऐवान असेंबली में उन्होंने पूरा IT मिनिस्टर KTR सर को बताया कि ना सिर्फ जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी का तालाब है बल्कि 20 तालाबों में ये शगाफ पड़े हुआ है, बल्कि तमाम ग्राउंड लेवल बताए। साथ ही साथ मैं सल्यूट पेश करता हूँ ऑनरेबल जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्र रेड्डी मैडम को कि उन्होंने भी हमारे चेयरमैन के साथ साथ शाना बशाना रह के जो है ना आवाम में दरमियान काम करे। साथ ही सल्यूट पेश करता हूँ कि रंजीत रेड्डी साहब MP चेवड़ला को, जिन्होंने हमारे चेयरमैन साहब के बोलने पर इमीडिएट दौरा किया, ना सिर्फ दौरा किया बल्कि पानी में उतर के चेयरमैन साहब और उन्होंने मिलकर तमाम ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट भेजा और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी के उस पर और रंजीत रेड्डी साहब और मैडम ने मिलकर हमारे चेयरमैन साहब मिलकर इतना बजट अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े ही दिन में पहुंच जाएगा। काम उसका प्रोसेस में है, बजट पासिंग में है, जल्द से जल्द वो तमाम काम होकर वहाँ के लोगों को राहत और सुकून मिलेगा। जब तक हमारा चेयरमैन खामोश बैठने वाला चेयरमैन नहीं है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं ARTV चैनल।